वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अमर और आपका स्वागत है वीके न्यूज में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार हाथी, कमल, पंजा और साइकिल से ज्यादा चर्चा बुलडोजर की है। चुनाव में बीजेपी के लिए बुलडोजर एक नया प्रतीक बनकर उभरा है। योगी सरकार जहां बुलडोजर को कानून व्यवस्था से जोड़कर लोगों के सामने रख रही है, वहीं समाजवादी पार्टी ने बुलडोजर को बीजेपी का नया चुनाव चिन्ह करार दिया है। बीजेपी समर्थक भी अब रैलियों में कमल की जगह बुलडोजर को लेकर घूमने लगे हैं। सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में एक बच्चे को भगवा कपड़े पहनाया गया है, उसके सिर पर साफा के साथ एक छोटा सा बुलडोजर फिक्स किया गया है। बैटरी द्वारा चलने वाले इस खिलौने का भारी हिस्सा भावनों को तोड़ने के रूप मतलब झांकिया की यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। बैकग्राउंड में चलेला जब चाप के बाबा के बुलडोजर गाना बज रहा है। बीजेपी ने भोजपुरी में इस गाने को लॉन्च किया है और रैलियों में इसे खूब बजाया जाता है। दरअसल बीजेपी अपनी रैलियों में बुलडोजर दिखाकर जनता को नया संदेश देना चाह रही है। मकानों को ढाने से लेकर निर्माण कामों में उपयोगी बुलडोजर को बीजेपी ने प्रचार का नया साधन बना लिया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से राजनीतिक विधियों और अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाए जाने की बीजेपी अपनी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी ने एक जनसभा के दौरान कहा था कि अभी चुनाव की पीरियड चल रहा है तो हम भी सारे बुलडोजर की मरम्मत करवा रहे हैं। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।